हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं यहाँ पर आपको बांसुरी बनाना बताऊंगा, किस तरीके से आप बांसुरी बना सकते हैं वेस्ट पाइप से। तो यहाँ पर मेरे पास वेस्टेज पाइप है, जो कि आपके पास भी अगर घर पर इस तरह का वेस्ट पाइप पड़ा हो, PVC का पाइप जो ये हमारे मेरे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आगे की साइड भी एल्बो लगा और पीछे की साइड भी एल्बो लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये पाइप लेके यानी कट टूट गया था इसके लिए, तो यहाँ पर नया पाइप हमने डाला है। तो ये वेस्टेज यहाँ पर बंगाल में स्क्रैप में फेंकने से अच्छा आप यहाँ पर एक अच्छी मज़ेदार जोरदार यहाँ पर बांसुरी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बांसुरी बनाने के लिए आप चाहे जितनी लंबी छोटी बड़ी चाहे जितना भी आप साइज का बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 16 इंच की यहाँ पर बांसुरी बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आगे जो एल्बो लगा उसको कटिंग कर दूंगा और पीछे की साइड जो एल्बो लगा उसको भी कटिंग कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको चाहे जितनी बड़ी आप बना सकते हो, छोटी बनाना छोटी आप बना सकते हो, लेकिन जो आपको इसके जो गैप यानी कि जो होल रहते हैं वो आपको मेजरमेंट से ही आपको इसके अंदर होल करना है। अगर आप ऐसे ही मेजरमेंट बिना आप होल करोगे तो फिर वो बांसुरी अच्छी तरीके से बजेगी नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऊपर कुछ 4 इंच छोड़ दिया हूँ। 4 इंच छोड़ने के बाद फिर आपको यहाँ से इसको कटिंग कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से मैं बांसुरी बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ये स्क्रैप यानी कि बेकार जो आपके पास पड़ा हुआ पाइप है PVC का, तो उसका आप कुछ बना सकते हैं बांसुरी अच्छी, वो भी एकदम अच्छी जो बस्ती जो बांस की आती है उसी तरीके से ये बजने वाली है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको मेजरमेंट 4 इंच आपको छोड़ देना है आगे से, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको निशान लगा लेना है कुछ इस तरीके से, 4 निशान यहाँ पर लगाना है, और फिर यहाँ पर 3 इंच आपको छोड़ के फिर वापस से चार होल नीचे की साइड आपको करना है। तो कुछ इस तरीके से करना है, और लास्ट में एकदम नीचे किनारे में भी एक होल करना है और एक होल ऊपर आपको करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इतना निशान लगा लेना है आपके मेजरमेंट, आपका हाथ कि सबके हाथ यानी अलग अलग सबके हाथ यानी छोटे बड़े रहते, किसी का हाथ बड़ा रहता है, किसी का हाथ छोटे रहते, किसी की उंगली बड़ी छोटी उंगली रहती। तो आपके जो हाथ है उस हिसाब से आप एग्जैक्ट करके उस हिसाब से आप यहाँ पर होल करना है आपको इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते मैं इस तरीके से यहाँ पर आपको एक बार हाथ में बांसुरी का जो पाइप है उसको पकड़ के और फिर आपको एक पोजिशन में आपको रख के देखने का कि ये सही, अगर मैं यहाँ बजाऊँगा तो ये सही से मेरे को बजाने आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से निशान लगा लेना है, और निशान लगाने के बाद फिर इसके ऊपर आपको होल करना है। तो होल करने के लिए आपको यहाँ पर ड्रिल मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आपको टूल की बात करूँ तो आपको एक मार्कर की जरूरत पड़ेगी, एक मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी, और सैंड पेपर यानी कि वो कांच पेपर जो कि अंदर बाहर से इसको घिसने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, और लास्ट में आपको ड्रिल मशीन में आपको एक 5 नंबर का बीट की जरूरत पड़ेगी और एक 16 नंबर की बीट की जरूरत पड़ेगी, और आपको एक 8 नंबर की बीट की जरूरत पड़ेगी। यानी कि उंगली की जो साइज है वो अलग अलग, कोई बीच वाली उंगली थोड़ी मोटी रहती है, पतली रहती है, छोटी जो लास्ट में रहती है, इस हिसाब से आपको बीट की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मान लो अगर आपकी छोटी उंगली है तो आप उसके अंदर आपको 5 नंबर का बीट की जरूरत पड़ेगी ड्रिल मशीन के अंदर, और जैसे आपको फर्स्ट वाली जो उंगली है वहाँ पर आपको 6 नंबर का बीट की जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको बड़े छोटे निशान लगा लेने का है, पहले मार्कर से आपको निशान लगा लेना है, उसके बाद आप इसके ऊपर होल करना है। तो होल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ड्रिल मशीन है उसके अंदर हमेशा पतला वाला यानी कि छोटा वाला 5 नंबर का बीट लगाना है। अगर आप डायरेक्ट बड़ा वाला बीट लगाओगे तो वो बड़े वाले से जल्दी से छेद आपको होएगा नहीं और आपको बनेगा भी नहीं छेद करते। तो आपको ड्रिल मशीन में आपको छोटा वाला बीट लगाना है यानी 5 नंबर का। तो यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया, अब इसके ऊपर अपने छेद करने वाले हैं। तो अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 इंच मैंने आगे से छोड़ दिया हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ग म प द ये 4 उंगली एक राइट हैंड से ये वाली पकड़ना है आपको, और फिर 3 इंच वापस यहाँ पर मैंने छोड़ दिया हूँ, फिर यहाँ पर 3 इंच आपको छोड़ना है, 3 इंच छोड़ के वापस यहाँ पर 4 होल करना है, सा सी रामा इस तरह से आपको यहाँ पर छोड़ना है। तो यहाँ पर ये इतना करने के बाद हम यहाँ पे आगे पीछे दोनों कट कर देना है, यहाँ से भी कट कर दूंगा, यहाँ से भी कट कर दूंगा, और आगे पीछे दोनों जगह आपको ढक्कन लगा देना है, और एक छोटा सा होल आपको नीचे करना है पीछे की साइड। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूरा रेडी हो गया है। अब यहाँ पर आपको ड्रिल में छोटा बीट लगाना है यानी कि 5 नंबर का बीट लगाना है, और बीट लगाने के बाद आपको जितने भी आपने 8 होल करे, 8 होल आपको करना है 8, तो यहाँ पर सबके ऊपर आपको छोटे छोटे होल कर लेना है। छोटे होल करने के बाद फिर आपको जैसे कि पहले नंबर की जो उंगली है तो वहाँ पर आपको 5 नंबर का यानी 6 नंबर का बीट लगेगा, तो उसके बाद आपको बीट बदलना है यानी बीट बदल के अलग अलग साइज़ के आपको होल करना है, कोई छोटा कोई बड़ा कोई उससे छोटा उससे छोटा, इस तरह के से अलग अलग साइज़ के होल करना है। जैसे ही आप होल करोगे उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल बांसुरी एकदम रेडी हो चुकी है। रेडी करने के बाद फिर आपको इसको बजा के अपने देखेंगे किस तरह का इसका साउंड आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, आगे से आपको 4 इंच छोड़ना है, फिर आपको 4 होल करना है, फिर 3 इंच छोड़ना है, फिर वापस से 4 होल करना है,
फिर वापस आपको 3 इंच छोड़ के फिर लास्ट में आपको एकदम से 2 mm का आपको होल करना है, यानी कि आपको 2 नंबर की बीट ड्रिल मशीन में लगा के एकदम लास्ट में आपको होल करना है वहाँ पर आपको 3 इंच छोड़ के। तो यहाँ पर आगे पीछे से दोनों साइड आपको ढक्कन लगा के और फिर एकदम आगे की साइड यहाँ पर आपको एक होल करना है जहाँ से आपको उससे बजाना है बांसुरी को। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होल करने के बाद फिर उसको अंदर बाज से अंदर से भी और बाहर से दोनों जगह से आपको इसको अच्छी तरीके से घिस लेना है सैंड पेपर से, यानी कि कांच पेपर से अच्छी तरीके से उसको घिस लेना है। इसके अंदर ज़रा से भी कचरा होना नहीं चाहिए, अगर कचरा होगा तो फिर वो आवाज़ जो है वो अच्छी तरीके से नहीं आएगी, वो जरा आवाज़ फटफट के आएगी, यानी कि वो आवाज़ अच्छी नहीं आएगी। तो जितना स्मूथ एकदम अच्छा से क्लीन अंदर से होगा बाहर से क्लीन होगा उतनी अच्छी आवाज़ अंदर से आपको सुनाई देगी। तो यहाँ पर मैं ड्रिल मशीन से होल कर लिया, इसी तरीके से आपको भी होल कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।